शांति। We all were in bhakti, in our own way, seeking, searching to find the purpose of life and also to know about the Creator. We came to Baba and Baba gave us the aim of life. That we have to become full, we have to become complete, which we all accepted, we agreed, and we felt, yes, we want to become that. But at confluence age, we have to be the servers, humble instruments. हमें कॉन्फ्रेंस संगम युग पे सेवक बन के रहना है, हम्बल सेवक, हम्बल सर्वर्स। पर हमारा एम बहुत ऊंचा है। बाबा हमारे को देवता स्वरूप देख, बाबा हम चाहते हैं हम देवता बने। So it is not that I had desire to be deity. तो ऐसा नहीं है कि ये होना चाहिए कि मेरा एक मन की इच्छा थी कि मैं देवता बनूं, पर जैसे बाबा दुनिया को क्रिएट कर रहे हैं, पवित्रता की दुनिया बना रहे हैं, संपूर्ण पवित्रता, स्नेह, स्नेह, शांति और ऐसी दुनिया जहाँ पे सदा सदैव हार्मनी हो, पीस हो, बाबा चाहते हैं सिर्फ हम निमित्त नहीं हुए पर तैयार रहे, हमेशा रेडी, तैयार उस दिव्य दुनिया के लिए, सिर्फ सिर्फ राजा रानी नहीं, सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, वो भी उस दिव्य दुनिया में बाबा हमें सिखा रहे हैं उस दिव्यता को हमारे अंदर इमर्ज करना, पवित्रता उभारने को पवित्रता के सहयोग से। बाबा हमें याद दिला रहे हैं हम, यस, हाँ, हम पहले भी दिव्य पिछले कल्पा में, पहले कल्पा में बने थे, और तभी बाद में त्रेता और पहले गोल्डन एज के और उसके बाद त्रेता के बाद जब आत्माएं अनुभव करना चाहती थी और वरदान लेना चाहती थी, तो ये मेमोरियल क्रिएट किए गए, ये शहीद स्मारक क्रिएट किए गए। हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा क्रिएटर हैं, ऐसा दुनिया बनाने वाले हैं, ऐसी दुनिया बना रहे हैं, तो हमें मास्टर बनना है, ऐसी दुनिया का मालिक बनना है। It's not that I have any attraction. ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को आकर्षण है या किसी किसी क्राउन के लिए, किसी कॉस्ट्यूम पोशाक के लिए। बाबा समझाते हैं हमारी जब पवित्रता बदलती है दिव्यता में, हम अपनी पवित्रता से जो एलिमेंट्स हैं, जो नेचर है, वो भी पवित्र बनेगा, जो तत्व हैं। और ये जरूरी है कि सत्युग में जो स्वर्ण युग होगा, उसमें जब आत्मा
शरीर में आएगी, वो भी शरीर भी पवित्र तत्वों का बना हुआ होगा, पर अभी तत्वों को हमें अब पवित्र करना है इस समय पर। डिविनिटी, दिव्यता ही खूबसूरती है, ब्यूटी है, सुंदरता है, वो एक इमेज है शक्ति की, एक छवि है। इसीलिए हमारे को मेमोरियल्स दिखाए जाते हैं देवी देवताओं के, कि हम याद कर सकें, हम सबकी बाबा के टास्क में, बाबा के कार्य में हम इस चीज को पूरा करने वाले बन रहे हैं, हेल्पर बन रहे हैं, एक पवित्र दिव्य दुनिया जो कि स्नेह शांति खुशी से भरपूर हो, उसमें हम बाबा के सेवक बन रहे हैं। तो पवित्र बनना, दिव्य बनना, ये भी दुनिया को सर माने सेवा करना है, दुनिया की सेवा करना है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा निमित्त बाबा का निमित्त बन रही हूँ, बन रहा हूँ, मैं इस तरीके से बन रही हूँ कि तत्व भी, पांच तत्व भी पवित्र हों और मैं सेवा कर सकूं एक बहुत शक्तिशाली रूप से, मैं ताकतवर रूप से मैं सेवा कर सकूं। We taking one example of mama, मामा का एक हम उदाहरण ले सकते हैं, she changed knowledge into powers. कैसे उन्होंने ज्ञान को शक्तियों में बदला, whatever was required, जो कुछ भी चाहिए था, she was able to inculcate, जिस भी चीज की जरूरत थी उस टाइम पे मामा उसको उपेक्षित कर पाई, इनकलकेट कर पाई, और उन्होंने सेवा की उन शक्तियों के द्वारा, We call it शक्ति, मन में बैठाया उनको, शक्तियों को इनकल्केट किया और उनसे सेवा की, हम उसको शक्ति बुलाते हैं। ये सारी जितनी गॉडेसेस हैं, जितनी देवियां हैं, ये शक्तियां हम इनको कहते हैं। हम हर एक, हम सारे, हम अपने आप को याद दिलाते हैं that I am becoming, कि मैं बन रही हूँ worship worthy, मैं worship worthy बन रही हूँ, जिसकी पूजा स्वरूप बन रही हूँ, पूजा योग्य बन रही हूँ, और मेरा शरीर व आत्मा दोनों पवित्र बन रहे हैं इस समय। पवित्र आत्मा की पवित्रता है, पर शरीर बट शरीर इस समय संगम युग पे पवित्र तत्वों का नहीं बना हुआ है, इसलिए अपने पवित्र संकल्पों द्वारा हम सारी पवित्रता की, जितनी भी पवित्रता की वाइब्रेशंस हैं, हम उसको अपने शरीर में कोशिश करते हैं कि डालें, इसलिए कि हम अपना फिर से अपने एम को, जो हमारा लक्ष्य है, उसको, उद्देश्य है, उसको हम वापस से जाके देख सकें कि क्यों हम ये कर रहे हैं, कि मैं स्व को पूर्ण संपूर्ण कर सकूं, कंप्लीट बना सकूं, और दुनिया को भी, सारी दुनिया को भी कंप्लीट तरीके से सर्व कर सकूं, सेवा कर सकूं। अगर चिंतन पवित्र है, उसकी वाइब्रेशंस किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में वो पहुंच सकती हैं, अगर मेरा चिंतन पवित्र है, अगर पवित्रता में की कमी है,
वाइब्रेशंस कैनॉट रीच फार, तब वाइब्रेशंस मेरी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगी। मैं एक दुनिया की सेवक बनना चाहती हूँ, मैं आत्मा, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक चिंतन उच्च कोटि का, उच्च स्तर का हो, बहुत बहुत ही लाभकारी, बहुत ज्यादा शुभ हो, पवित्र हो। तो बाबा को याद करते हैं और याद में receive and invoke, उस स्मरण में हम पाएं, रिसीव करें और आह्वान करें उन पांचों, उन सारे गुणों का, सातों गुणों का, गुणों को इन्वोक करें, आह्वान करें। Thank you.
भविष्य में तो इस स्थूल हीरे मोतियों से सजी ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अप्राप्त इससे सदा सजे सजे ओम शांति ओम शांति अपना जमा का खाता बढ़ाओ बचत स्कीम बनाओ सर्व खजानों की बचत करने के लिए सहनशील बनो सर्व खजानों की बचत करने के लिए सहनशील बनो सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा योग के सार में स्थित हो विस्तार को समस्या को विघ्नों को सार में ले आती है जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त हो जाती हैं अर्थात ज्यादा यूज हो जाती हैं ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना पार दोनों ही करते हैं लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों को बचत होने कारण निराश व दिल शिकस्त नहीं होता सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं ओम शांति Om Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. Today Om Shanti. Sabka swagat hai. Vyakti Parivar mein. Apna jama ka khata badhaye. All treasures. Sarv khazano ki bachat karne ke liye sahanshil bano. Ab hum Mohini Didi ko sunenge. ओम शांति एवरीवन सबको ओम शांति ओम शांति बहुत अच्छा लगा आप सबको देख करके बहुत प्यारा लगा ऐसा लगता है सब मर्ज्ड हैं विलय हैं सब देवता सुर एंजेलिक फरिश्ता स्वरूप और सब लाइट हल्के और सभी 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 के सभी
बहुत शक्तियों को जमा कर रहे हैं। पहले पापा ने स्नेह के बारे में बात किया, कल जब बाबा ने कहा था जब आप स्नेह में मर्ज्ड होते हैं, विलय होते हैं, माया आपको नहीं छेड़ सकती। आज बाबा कह रहे हैं कि जब आप स्नेह में बिल्कुल मर्ज्ड होते हैं तो उसके अंदर कोई हमें लेबर नहीं करना पड़ता, हमारे को एफर्ट नहीं करना पड़ता, श्रम नहीं करना पड़ता, सब स्नेह से सब सहज हो जाता है। और बाबा कहते हैं और जितनी भी ज्ञान है उसका सार है स्नेह, क्योंकि जब हम समझ लेते हैं हमारे पिता कौन है, हमारे माँ बाप कौन है, बाप दादा कौन है, जब हम ये समझ लेते हैं तब बाबा के लिए स्नेह और वो समझ कि सब आत्माएं हैं, सारे बाबा के बच्चे हैं, तो सहज नेचुरल तरीके से सारी आत्माओं के लिए प्राकृतिक रूप से स्नेह होता है, पूरे विश्व की के परिवार की तरह। ये बहुत रोमांचक है अगर हम इसको प्रैक्टिस कर सकें, इसकी अभ्यास कर सकें और ये जागरूकता रख सकें तो सबके लिए स्नेह होगा। और बाबा आज कह रहे हैं अगर आप अपने समय को बचाना चाहते हैं, चिंतन को बचाना चाहते हैं और बुद्धि की शक्ति को बचाना चाहते हैं तो श्रीमत को फॉलो करें। किसी किसी दिन हम कभी कभी इस चीज को हजम डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि क्या कहा गया है, तो हम मर्ज नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं वास्तव में एक एलिवेटेड उच्च आत्मा योग बहुत ज्यादा किसी डिटेल में नहीं जाएगी, क्या क्यों किसने क्यों कहा विवरण नहीं करेंगे, क्यों क्या नहीं करेंगे, पर वो हमेशा कोशिश करेंगे एक बहुत ही समझदार और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई संकट आता है, वो उस चीज को बहुत ही सार में जाके देखते हैं, किसी डिटेल में नहीं जाते। और जब कोई विघ्न आता है उसके लिए भी यही तरीका है सेम। जब कोई विघ्न आता है वो सार को अपने पास, हर चीज के सार को रखते हैं, समझते हैं। तो इस तरीके से बाबा कहते हैं जब आप बहुत ज्यादा विस्तार में जाते हैं, आप लंबा रास्ता ले रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आप लॉन्ग रूट लंबा रास्ता ले रहे हैं, पर कभी कभी उस चीज की जरूरत नहीं है कि किसी विस्तार में जाएं, किसी ने क्या कहा, कब कहा। तो बाबा ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जब आपका लंबा रास्ता होता है, लंबा समय भी लगता है, और जब सब लंबा समय लगता है तो आप बहुत शक्ति बल को इस्तेमाल करते हैं, आप बचा नहीं सकते समय मनी पैसे और एनर्जी। लोग ज्यादातर शॉर्ट कट लेना चाहते हैं, शॉर्ट रूट लेना चाहते हैं, सब कुछ ज्यादा उपयोगी होता है जब हम छोटा कट लेते हैं, शॉर्ट कट लेते हैं, ना कि विस्तार में जाने से लंबा रास्ता लेने वाला नहीं। ये बहुत डीप गहन और गहरा प्रैक्टिस है कि मैं सार में रहूं, एसेंसफुल रहूं। और ऐसे लोग
वो बहुत ज्यादा स्पष्टता रहेगी, वो एक पॉइंट पे रहते हैं, लाइक टू द पॉइंट. कभी कभी डिटेल में जा सकते हैं और हम भूल जाते हैं कि ज्ञान का सार क्या है. तो बाबा कहते हैं जब आप सार के साथ होते हैं या विस्तार में, दोनों रूट को पास करेंगे, रास्ते को. लेकिन जो शॉर्टकट लेते हैं वो बचत कर सकते हैं, समय, पैसे, ऊर्जा. कभी भी आप निराश ना होए और या अपने दिल से डिसहार्टन्ड निराश ना होए. कभी आप लॉन्ग रूट लेते हैं, लंबा रास्ता लेते हैं, तो हम आशा खो देते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव संकल्प आ जाते हैं. मैं बहुत पसंद करती हूँ अगर हम लॉन्ग रूट लेते हैं, लंबा रास्ता लेते हैं, तब हम एक तरीके से निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम सारी शक्तियां यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बजाय कि हम उनकी बचत करें, हम इस्तेमाल कर रहे हैं शक्तियां. हम एक बहुत अच्छी आनंदपूर्ण या उत्साह खुशी की स्थिति में नहीं रह सकते, सहन नहीं कर पाते, हम मर्ज नहीं कर पाते. तो कुछ को भी दोहराना नहीं कि कोई क्या कहता है, ये हर एक छोटी सी गलती हम सब करते हैं. बहुत हाल ही में किसी ने मेरी अटेंशन, मेरी मेरा ध्यान इस तरफ खींचा. मैंने ये रियलाइज किया, एकदम पॉइंट पे रहें, विस्तार में नहीं जाएं. अगर कुछ ज्यादा कहेंगे तो फिर वो आगे बात बढ़ती जाती है, कंटिन्यू होती जाती है. तो ये कोई सूक्ष्म आदतें हैं, या तो आप उन आदतों से, या तो हम पावर को, शक्ति को सेव करते हैं या खर्च करते हैं. जब मैं शक्ति को बचाऊंगी तो मैं अंदर से खुश रहूंगी. जैसे कुछ जाके हमने कुछ $1,000 में खरीदना है, आप सिर्फ 300 खर्चते हैं, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं कि देखो मैंने कितना बचत किया है ना. तो अंदर खुशी, अंदरूनी खुशी आती है जब मैं बचत करती हूँ, और हर बचत जो है वो पवित्र संकल्प से ही पैदा होती है, शुरुआत होती है. और फिर मर्ज करें एनर्जी, समय, एनर्जी, ऊर्जा, सब कुछ की बचत होती है. तो एक ऐसी हैबिट को समराइज करना, संक्षेप में बोलना, अगर 5 चीजें हैं बोलने के लिए तो इकट्ठे करें, पहली चीज पहले बोलें. वो सारा जो अंदरूनी एक तरीका प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है, एक प्रक्रिया. तो फिर मैं बचत, अपनी शक्ति की बचत कर सकती हूँ. कुछ उनको ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें और ना ही उनको मिसयूज करें, दुरुपयोग भी ना करें. सहन करने की शक्ति, एकदम से अगर मुझे महसूस हो मेरे को एक सही तरीके से जवाब नहीं मिला जो मैं चाहती थी, फिर आप सोचते रहते हैं किसने क्या किया, क्यों कहा, why not, ऐसे क्यों नहीं. Won't even try to find out.
मेरे लिए तो मैं ये पता भी नहीं करना चाहूंगी। सही समय में आपको सब कुछ, सही समय पर आपको सब कुछ वैसे भी पता चल जाता है, क्योंकि मैं नहीं ले पाई जो कुछ भी हुआ, वो क्या हो रहा है। So how many of you think you have tolerance? आप में से कितने सोचते हैं कि आपके अंदर सहनशीलता की शक्ति है? दिन प्रतिदिन, जैसे बाबा कहते हैं, ज्ञान के और योग के सार में आप बुद्धि में और चीजें नहीं चाहते। कहीं ना कहीं ज्ञान, कभी ज्ञान नहीं चला जाएगा, कभी योग। मैं बहुत इस पॉइंट को पसंद करती हूँ, जो आप रखते हैं आप, क्या और क्या आपको रखना चाहिए, क्या नहीं आप रखते हैं। जो आप रखते हैं वो ज्ञान और योग का सार, और जो आप नहीं रखते, जो विस्तार है परिस्थितियों का, कोई बातें विस्तार। जैसे कि आप कुछ लेते हैं खाने को, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पचाने की शक्ति ना ले पाए तो आप उसको वापस थ्रो कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो पचा नहीं पाया। वैसे ही अगर आप कुछ बोलते हैं, सुनते हैं, अगर आपका सिस्टम नहीं ग्रहण कर पाता तो आप उसको वॉमिट कर देते हैं, वापस फेंक देते हैं। वो उस बात को रिपीट करना, चिंतन में दोहराना, वो आपका समय बहुत ले लेता है। और बहुत बार सिर्फ मेरे लिए नहीं, पर दूसरे आत्माओं के लिए भी। तो सार में रहना, एसेंसफुल रहना, जो सार में रहते हैं वो समझदार होते हैं। और अभी कुछ समय पहले मैं सोचती हूँ, जब मेरे को बाबा पे ट्रस्ट है, तो बाबा कैसे हर चीज का ख्याल रखते हैं। विश्वास है, जब मैं बाबा को बिलोंग करती हूँ, बाबा हैं, बाबा पे विश्वास रखें, बहुत अच्छे तरीके से, सिर्फ केयर नहीं करते, प्रॉपरली मेरा इस बात से अच्छी तरीके से बाबा मेरा ख्याल करती हैं, तो मेरा विश्वास बढ़ता है। जब मेरा विश्वास होता है तो कैसे चीजें होती हैं, और बाबा के लिए स्नेह भी बढ़ता है और विश्वास भी बढ़ता है। तो मैं ये रियलाइज करती हूँ, समझती हूँ कि कितना ट्रस्ट और स्नेह में कनेक्शन है। जब मेरे अंदर स्नेह है तो बाबा केयर करते हैं, बाबा की तरफ मेरा विश्वास बढ़ता जाता है। ये बहुत रोमांचक है। अगर हम कुछ प्रैक्टिकल में करते हैं और उस बात पे ध्यान देते हैं तो बहुत बदलाव आता है। हमारे को बहुत सारी चीजों को मिटाना है, और जो रह जाए वो सिर्फ सार हो, एसेंस हो, नहीं तो फिर बहुत विस्तार डिटेल होगा। तो आज के लिए सहन शक्ति, आपको सही में पता चलेगा, वास्तव में सहन करना बहुत आसान है, सहज है। हमें बहुत ज्यादा हम सबको बहुत ज्यादा सावधान होना होगा, बहुत ज्यादा चीजों को बार बार नहीं दोहराएं। सहनशीलता की शक्ति हमें मदद करेगी, सार में रहने से, लॉन्ग रूट ना लेने से।
बहुत विघ्न होते हैं और बहुत सारी संकट होते हैं, पर शॉर्टकट और बचत करें शक्ति की बहुत। ओम शांति। तर खजानों को की बचत करने के लिए सहनशील बनो। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के स्थार में स्थित हो, विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को सार में ले आती है। जैसे लंबा रास्ता पार करने में शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ज्यादा यूज होती हैं, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने कारण निराश व दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। ओम शांति। ओम शांति व्यक्ति परिवार। ओम शांति। कल सबका स्वागत है अव्यक्त मुरली 1971 से हमारे को ब्राह्मण से फरिश्ता बनाते हैं, में इंस्पायर करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। 25 अक्टूबर 1971 अव्यक्त मुरली। माला का मड़का बनने के लिए विजयी बनो। बाप दादा जब बच्चों को देखते हैं तो मुख्य बात क्या देखते हैं? आज यही देखने आए हैं कि हर एक रत्न अपने में क्या क्या परिवर्तन लाया है। तो आज परिवर्तन देखने लिए आए हैं, हर एक ने यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया ही है, लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं उसको भी जानते हो ना? बाप दादा परिवर्तन के साथ परिपक्वता भी देखना चाहते हैं। परिवर्तन तो देखा, लेकिन परिवर्तन के साथ अपने में परिपक्वता कभी लाई? बाप को अविनाशी से बोलते हो ना, तो ऐसी ही बाप के साथ अविनाशी परिवर्तन लाया है। जो खजाना मिलता है वह भी अविनाशी है, जो प्रलाभ मिलती है वह भी अविनाशी है। तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया है। वह सोचते हो कि
जाने के बाद मालूम पड़ेगा, न मालूम कौन सी परिस्थितियां आई, न मालूम परिपक्व रह सके वा नहीं। वायदा तो करके जाते हैं लेकिन कहां तक निभा सकते हैं वह देखेंगे। एक तो ये सोचते हैं, फिर दूसरे हैं निश्चय बुद्धि, जिनों का बाप के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है कि जो परिवर्तन लाया है वह सदा कायम रखेंगे, और जो वायदा करके जाते हो वह करके दिखाएंगे। वह है संपूर्ण निश्चय बुद्धि, और कोई तो बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं लेकिन अब तक अगर ऐसी ही करते चलेंगे तो अंत तक भी क्या कोशिश करते रहेंगे। ऐसे पुरुषार्थी को झाटकू कहेंगे। देवियों पर बड़ी चढ़ते हैं तो शक्तियां व देवियां ही बिगर झाटकू स्वीकार नहीं करती हैं, तो क्या बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर सकता है? अगर यहाँ स्वीकार ना किया तो स्वर्ग में उच्च पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसीलिए सुनाया था कि जो सोचना है वही कहना है, जो कहना है वही करना है। सोचना, कहना, करना तीनों एक होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय कई ऐसे बच्चे हैं जो सोचते बहुत हैं, कहते भी बहुत हैं, लेकिन करने के समय कम रह जाते हैं। इसीलिए कहा था इस भट्टी में पक्का कर जाना, अर्थात पक्का वायदा करके जाना है। पहले तो वायदा करने लिए हिम्मत है कि हिम्मत धारण करेंगे। जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है? वह भी कभी हार नहीं खाते। अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो जरूर आज से कभी हारेंगे नहीं। बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजय माला के मणके बनते हैं। अगर विजय माला में पिरोने चाहते हैं तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन में मुख्य बातें चेक करनी है, बहुत सहज है। दो शब्द याद रखना है, एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है और दूसरा हर्षित मुख। आकर्षण करने वाला है रूहानी स्थिति ही एक दो को आकर्षण कर सकेंगे। अगर ये दोनों बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजयी है ही। मेजॉरिटी बच्चों में Today, Baba is also telling you about the main aspect in the majority of the children. मेजॉरिटी बच्चों में मुख्य कौन सी बात है वह भी आज सुना रहे हैं। निश्चय बुद्धि तो हो तो अब यहाँ आए हो। बाप में निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय कहाँ कहाँ डगमगा देता है। मुख्य कमी है यह है जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। यह ना होने के कारण समझते हुए
सोचते हुए, अपने को महसूस करते हुए भी फिर वही बात कर लेते हैं, इसका कारण कि कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है, मनसा में, वाचा में और कर्मणा में भी, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंध में आने में भी। कहां तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना, यह पूरी पावर ना होने के कारण सफल नहीं होते हो। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटावेंगे? कई बार आप गोपों ने देखा होगा, कभी भी चीज को कहां बहुत जोर से कंट्रोल करना होता है तो कंट्रोल करने लिए भी कोई चीज को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग कभी उड़ाया है? पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने लिए क्या किया जाता है? यह भी ऐसे है, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने लिए के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज होती है? आत्मा, बिंदी। तो जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। कंट्रोल करने लिए फुल स्टॉप करना होता है। तो आप भी बिंदी लगा दो, जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। देखा, seen something, किया, you may have done something, लेकिन, but then finish it completely, एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप करना, कॉमा, you know how to apply a comma, लगाने आती है या क्वेश्चन करने भी आती है, you even know how to apply an exclamation mark, अब अजब की निशानी भी लगाने आती है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है। कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर यह निशानियां लगाना इसमें मुश्किल क्यों? कागज पर निशानियां लगाते हो ना, और जो निशानी जहां लगानी है वहीं वहां ही लगती है, इसको कहा जाता है प्रवीण। अगर If someone applies a कॉमा के बदली कोई फुल स्टॉप लिख दे तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा। जहां क्वेश्चन करना है वहां क्वेश्चन ना करे तो भी प्रवीण नहीं कहेंगे। You are not able to be यहां भी क्वेश्चन किस बात में, you do not have the full recognition, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में देना है, exclamation or the full stop. यह पूरी पहचान ना होने के कारण प्रवीण नहीं बनते हैं। अब समझा, कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है। इसीलिए अपनी बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। Increase your account. अपना जमा का खाता बढ़ाएं और बचत की स्कीम बनाएं।
In order to accumulate, कर खजानों की बचत करने के लिए सहनशील बनो. In order to कर खजानों की बचत करने के लिए सहनशील बनो. सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को सार में ले आती है. Bring into essence all the expansion, problems, and obstacles. ऐसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियां समाप्त हो जाती हैं. अर्थात ज्यादा यूज होती हैं. ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना. पार दोनों ही करती हैं, करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने कारण निराश व दिल शिकस्त नहीं होते. सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं. जमा का खाता बढ़ाओ, बचत की स्कीम बनाओ. सर्व खजानों की बचत करने के लिए सहनशील बनो. सर्व खजानों की बचत करने के लिए सहनशील बनो. सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को सार में ले आती है. जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ज्यादा यूज होती हैं, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना. पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने कारण निराश व दिल शिकस्त नहीं होते. सदा मौज में
मुस्कुराते पार करते हैं। ओम शांति।